गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा कि ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा, ग्रिफिथ ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि जो मटेरियल है जो करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाता है वो डीएनए है। और हमने सर्च फॉर ए बायोकेमिकल मटेरियल पढ़ा, मैकार्थी एंड मैकनोल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने हर्शी चेज़ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिससे 100% प्रूफ हो गया कि जो सेल में जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। अब हम ये देखेंगे आज की क्लास में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में। तो हम बात कर लेते हैं, चार पॉइंट्स हैं इसमें। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपनी एक रेप्लिकेशन कर सके, अपनी एक रेप्लिका बना सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, और उसमें इवोल्यूशन या स्लो म्यूटेशन के कुछ स्कोप होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, और वो अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, जो कि डीएनए फॉलो करता है इस पॉइंट को भी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरे मटेरियल हैं वो किस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते, इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। जहाँ तक हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन कैसे बनती है, बाय दी आरएनए। आरएनए क्या करता है, आरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन को बनाता है। तो प्रोटीन तो अपने आप रेप्लिकेशन कर नहीं सकती, जो आरएनए के पास कोडिंग होगी वही प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो प्रोटीन तो इस कंडीशन में फूट गया। और आरएनए क्या करता है, आरएनए बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए बनता है। और अगर कोई ऐसे जेनेटिक मटेरियल हैं जिनमें आरएनए, ऐसे वायरस हैं जिनमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए कैसे बनता है, बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पहले आरएनए टू डीएनए एंड देन डीएनए टू आरएनए, तो इस तरीके से बनता है। तो हम ये कहते हैं कि जो है डीएनए इस कंडीशन को फुल करता है, अपनी रेप्लिकेशन बनाता है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। कल भी हमने नेक्स्ट क्लास में हमने डीएनए की स्टेबिलिटी की बात करी थी। तो डीएनए के पास कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एक तो उसमें थायमिन का प्रेजेंस होना, उसमें थायमिन है जबकि यूरेसिल आरएनए में है, और उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर है जबकि आरएनए में राइबो शुगर है। साथ के साथ उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, वो डबल हेलिक्स है इसलिए भी वो स्टेबल है इन कंपेरिजन टू आरएनए। और इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। अच्छा, आप देखो डीएनए में जो है म्यूटेशन होते हैं वो बहुत स्लो रेट से होते हैं, क्योंकि वो एक तो उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। देखो थायमिन है, थायमिन भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डीऑक्सीराइबो शुगर है वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो म्यूटेशन जो होंगे वो मतलब उसमें स्लो म्यूटेशन के ही चांसेस हैं। जैसे कि हम आरएनए वायरस में देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोरोना वायरस ही सुन रहे हो अभी, इसके अभी तक हमारे पास 14 म्यूटेंट मिल चुके हैं। तो अभी आगे वाले आने वाले समय में वो पता नहीं कितने म्यूटेंट और बना लेगा, और कितने म्यूटेंट बना लिए होंगे जो अभी हम नहीं देखे गए हैं, या उन पर अभी डिस्कवरी रिसर्च चल ही रही है। अभी रिसर्च कम्प्लीट होगी तो पता चलेगा कितने और म्यूटेंट बन गए, ठीक है। और ये अपने आप को डीएनए जो अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में शो करता है, हाँ करता है कैसे शो, जैसे देखो पॉइंट म्यूटेशन होता है, अगर एक बेस में भी अंतर हो गया तो उसमें पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है। तो ये क्या है, मेंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए दैट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज ए गुड जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब हम एक बात और स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि आपने ग्रिफिथ के भी एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को गर्म कर रहे थे, हीट किल कर रहे थे, तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट वॉल थी वो भी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन डीएनए क्या होता है, डीएनए एकदम ठीक रहता है। और जब ये डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के पास जाता है तो वहाँ पर ये उसमें म्यूटेशन ला देता है, उसमें चेंजेस ला देता है, वो क्या हो जाता है, वायरुलेंट बैक्टीरिया बन जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि डीएनए हीट से भी जो है वो हीट भी उसको डीनेचर नहीं कर, डीनेचर तो करती है लेकिन बाद में वो अपनी क्वालिटी को दोबारा रिगेन कर लेता है। तो वो स्टेबल है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब यही हमने पॉइंट इसमें किया, डिस्कस किए, उसके पास टू डैश पोजीशन पे ओएच ग्रुप नहीं होता है जबकि आरएनए में है। तो आरएनए क्या है, वो लेवाइल है और वो एक्टिव है। साथ के साथ आरएनए इसी टू डैश ओएच ग्रुप कैटालिटिक कैटालिसिस की तरह भी बिहेव करता है। हमारी सेल में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जिनमें आरएनए एज ए कैटालिसिस बिहेव करता है, जैसे कि स्प्लाइसिंग की रिएक्शन है, जहाँ जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन तो उसमें स्प्लाइसिंग होती है, तब ये
कैटालिसिस की तरह बिहेव करता है। तो जबकि डीएनए क्या है, एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, वो उसका कैटालिसिस का कोई रोल नहीं है ऐसा, ठीक है। अब थायमिन वाली बात मैंने आपको बताई दी, थायमिन क्या है, 5-methyl uracil। तो थायमिन यूरेसिल में 5 पोजीशन पे जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो थायमिन बनता है। तो इससे हमारे पास ये भी प्रूव होता है कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे आरएनए पहले बना और डीएनए बाद में बना, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं डीएनए से आरएनए बनने में, आरएनए से डीएनए बनने में, तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि पहले जो इवोल्यूशन के टाइम पे पहले आरएनए बना और उससे डीएनए में कन्वर्ट हो गया। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द करेक्टर। तो एकदम अपने आप को अपने करेक्टर शो कर देता है एकदम प्रोटीन की फॉर्म में, जबकि डीएनए को क्या करना है, पहले डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है एंड देन शोज इट्स करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ये सब जो पूरा डिस्कशन है ये इंडिकेट करता है कि जो आरएनए है वो कुछ वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन वो एक यूकैरियोट में, एक मतलब हर ऑर्गेनिज्म में वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल तरह बिहेव नहीं कर सकता, उसमें के लिए हमारे पास डीएनए ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये डिस्कशन था डीएनए आरएनए के लिए, ये भी एग्ज़ाम में कई बार आया है, कई बार पूछा गया है, और इससे बीच बीच में पूछा जा सकता है, एक दो नंबर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना और इसको नोट्स की फॉर्म में और तैयार कर लेना। Thank you for today.